अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, काफ़ी पहले से बेहतर हूँ। और आज एक लोकेशन की जानब जा रहा हूँ, तो एक तो लोकेशन वो है जो मैं पहले विज़िट की है और एक नई लोकेशन है, तो देखते हैं अगर तो जो नई लोकेशन है उसकी इजाज़त मिल गई तो उधर ट्राई करूँगा आज कुछ ढूँढने की। अभी मैं एक होटल पर खड़ा हूँ चाय पीने के लिए। ये जनाब होटल है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। आज मैं बहुत ही ख़तरनाक लोकेशन पर आया हूं और मैंने आके विज़िट की है पहले और वाकई मुझे महसूस तो हुआ है यहां पे कुछ ना कुछ है। और ठंड बहुत ज़्यादा है और ये जो है यहां पे मुझे जो बुलाया है आज़म भाई ने बुलाया है, बार बार मैसेजेस कर रहे थे कि आप एक बार आएं और विज़िट करें, तो इनकी ज़ुबानी सुनते हैं इस लोकेशन की असल कहानी क्या है। जी आज़म भाई दसो, इस मामला जिहड़े है ने तुसीं दस रहे सी कि बेरी दे भी मामला है ने, काफ़ी जिन्नात उत्थे लोगों ने देखे ने बेरी के नीचे भी तो कमरे के अंदर भी, की मामला है दसो भाई। यान ये जड़ी जगह हैगी है बहुत ही खतरनाक हैगी, ठीक है। लोगों ने उत्थे कभी जिन्नात देखे ने? आप खुद देखे है ने? वो बेरी के बारे तुसी दस रहे हो कि उनके थले लोगों नू साया वगैरह होया, तो वो तुसी कह रहे पहले तुसी ये भी जिक्र कर रहे हो कि इत्थे जिहड़े मतलब लोग आते ने वैसे अगर चलन फिरन आए ने तो कोई मसला नहीं उन्होंने कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर वो तुसी दस रहे हो कि बेरी के दरख्त थले उन्होंने मार वगैरह पई तो फिर वो क्यों पई? वो पेशाब करने हो तो पई। अच्छा, मतलब वो अगर कोई पेशाब वगैरह उधर कर दे दरख्त के नीचे तो अब मसले बनते हैं, तब मसला तो बनता है। अब अगर हम जाएं तो हमें कुछ मिलेगा वहाँ पे? वो बहुत ही खतरनाक है, अपनी जिम्मेदारी पर आप जा सकते हैं। ठीक हो गया, अब जो है ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे अकेला आया था और मेरे साथ जो है मेरा साथ देंगे यहाँ के गाँव के लोग ही, शकील भाई और अवैस भाई जो है वो कैमरा संभाल लेंगे। तो आज़म भाई हमारे साथ नहीं जा रहे क्योंकि ये पहले से ही डरे हुए हैं कि भाई मैं इस टाइम आपके साथ नहीं जाऊंगा, तो ठीक है हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो फिर चलते हैं, ये आप कैमरा संभालो। तो वो कोई औरत कही होगी देखा, ये कोई औरत थी? जी भाई औरत थी, देखा। ये तो जैसे किसी ने बुरका पहना हुआ है। जी जी यही बुरका पहना हुआ है। कौन है ये? मुझे ऐसा लगा जैसे इस कमरे में गई। जी मुझे भी ऐसा ही लगा कमरे में गई। यार हमें कोई डराने की कोशिश कर रहा है तो भाई राजा भाई मेरे, मुझे लग रहा कोई डराने की कोशिश कर। यार मुझे वीडियो मुझे देखना है, मुझे दिखाओ। छोड़ो मुझे वीडियो दिखाओ। दोस्तों ये मैंने अभी क्लिप देखा है, वाकई कोई ना कोई चीज़ है। ये आपने भी देखी होगी अभी, ये वाकई कोई ना कोई औरत थी। मुझे तो औरत लगी है क्योंकि स्क्रीन छोटी है अभी, मुझे तो यही लगा है। तो यार ये मुझे शकील, ये किसी ने ऐसा तो नहीं? कोई हमें डराने की कोशिश की? मुझे यकीन नहीं आ रहा, इतनी जल्दी इतनी एक्टिविटी, जबरदस्त किस्म का साइन मिल गया यार। मुझे तो लग रहा भाई यार ये अजीब है। ये क्या हुआ भाई? कोई चीज आई ऊपर? जी आई, कोई चीज आई ऊपर। ये रिकॉर्ड हुई है अपना अवैध? जी भाई जी जी। एक बार मैं कह रहा हूँ कोई परिंदा तो नहीं? ये मुझे लाइट दो।
अगर कोई अल्लाह की मखलूक यहाँ पे मौजूद है तो बगैर नुकसान पहुँचाए। इधर से जी भाई, इधर से आई बात, इधर करी आवाज आई इधर से, जैसे दरख्त के ऊपर कोई है। ऊपर कोई है यार, मुझे वो औरत की समझ नहीं आ रही बार बार। इधर आओ, इधर आओ भाई, ये इसको इधर इधर आओ, इधर इधर से रिव्यू करो। यार मुझे ऐसा लग रहा है शकील, जैसे कोई इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हमसे छुपने की कोशिश कर रहा है। इस तरह करें अवैस, आप इस तरह करो, हम इधर खड़े, आप उधर से घूमो और कैमरा भी घुमाओ अपनी तरफ, चारों तरफ, और इधर भी देखो कोई है तो नहीं। उधर इधर हम खड़े हैं, हम देख रहे हैं कि इधर से अगर कोई आए। ध्यान से जी भाई, यार ये इधर जल्दी कैमरा ले यार ये दरख्त के पीछे कोई है जी भाई, इसके पीछे कोई खड़ा है बाद। कोई जल्दी कैमरा जल्दी ले, क्या कैमरा मुझे दे कैमरा दे। ये इधर इसके पीछे कोई खड़ा है दरख्त के, ठहर अब किधर जाएगा, ठहर जा, ये कोई है इसके पीछे कोई है दरख्त, कौन है अब तो आप भाई इसके पीछे, हमें पता चल गया है जो भी हो आप। यार इसके पीछे भी है यार, आप छुपो नहीं, सामने आ जाओ भाई। यार ये इसके पीछे को मैंने अभी देखा, छुपा है कोई। जी भाई मैंने भी देखा। ठहरो आप, इधर ही रहो, इधर ही रहो। यार यहाँ तो कोई भी नहीं। यार ये क्या, यार अजीब है यार, ये क्या, अजीब है यार, मेरी तो समझ से बाहर हो रहा है सारा कुछ। ये क्या हो रहा है, कैमरा जो है ना फ्रंट पे प्लेस करो एक बार। हम इस तरह करें, हम स्प्लिट हो जाए, ठीक है। मैं मोबाइल लेके आता हूँ कैमरा गाड़ी से, और जो है उसको यूज़ भी करते हैं, दो कैमरा यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक, तो मैं कैमरा लेके आता हूँ, ठीक है जी। ठीक, हर्षकील भाई इधर कोई औरत थी यार। दोस्तों अब जो है मोबाइल कैमरा भी यूज़ करेंगे, दो कैमराज होंगे हमारे पास, और अपना शकील भाई ये कैमरा आपके पास रहेगा, ठीक है। और अवैस भाई जो है आपकी हेल्प करेंगे साथ में, ठीक है। आप इधर रहें, मैं उस दरख्तों की जानब देखता हूँ, ठीक है। मुझे उधर शक है, आप इधर भी देखें क्योंकि इधर भी हमें औरत दिखाई दी है। चलें आप जाएं, ठीक है। शकील भाई जी भाई इधर कोई है भाई? आसफ भाई अकेले गए, कोई नुकसान ना हो जाए भाई, आसफ भाई अकेले गए। अगर यहाँ पे कोई मौजूद है तो आप बगैर नुकसान पहुँचाए हमारे सामने आ जाएं, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें ऐसा लगा है जैसे कोई हमें छुप के देख रहा है। ये क्या था, आवाज आई मुझे यहाँ से, कोई झाड़ियों में इधर नीचे कोई है। शकील भाई सब ठीक है जी? ठीक है भाई।
अगर कोई अल्लाह की मखलूक यहाँ पे मौजूद है तो बग़ैर नुकसान पहुँचाए अपनी मौजूदगी जाहिर कर सकती है। यार मुझे दरख्तों के बस ना ऐसा वहम हो रहा है जैसे कोई छुप के देख रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ बेहतर नहीं है। एक तो पहले ही मेरे ऊपर एक मसला चल रहा है और मुझे यकीन माने एक कैफियत मेरी अजीब हो रही है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, ऐसी कैफियत हो रही है मेरी। चीज़ नज़र आई जी, वहाँ कोई है, देखो वहाँ कोई। आसफ भाई, आसफ भाई, क्या हुआ, क्या क्या हुआ है? गाड़ी में लेके चल इसको, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यार हुआ क्या है, हमें बताओ तो सही। भाई मुझे घर जाना है बस। यार ठीक है हम तुम्हें छोड़ आते हैं, लेकिन हुआ क्या है, देखा क्या है? एक खौफनाक चीज थी। क्या? औरत। वही औरत जो हमने पहले देखी? जी वही औरत जो हमने पहले देखी थी। भाई मुझे बस घर जाना है। मैं दोस्तों कोशिश कर रहे हैं कि शकील से पूछें, लेकिन वो हमें सही तरह बता नहीं पा रहा है, बार बार औरत का जिक्र कर रहा है। नहीं तो औरत क्या, उसने कुछ आपको मतलब क्या साइन नजर आया? औरत ने आपको डराया है या वैसे आपने औरत देखी है फिर से जाती हुई? मुझे डराया है औरत ने। किस तरह की शक्ल उसकी, क्या फेस कैसा था उसका? ब्लैक, फुल ब्लैक। फुल ब्लैक। कोई ऐसे तो नहीं था, कोई औरत मतलब ऐसे कोई बंदा तो नहीं डरा रहा था आपको जैसे किसी की शरारत हो? जी नहीं नहीं, शरारत नहीं थी। भाई मुझे बस घर जाना है। इसको फिर जब घर छोड़ के आए यार, इसको फिर घर छोड़ के आए अब इसको। दोस्तों हम शकील भाई को छोड़ आए हैं, वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और अब हम दोबारा से आए हैं और ये देखने के लिए, क्योंकि अब मौका है कोई ना कोई चीज़ रिकॉर्ड होगी। तो मैं फिर अवैस भाई अकेला नहीं भाई, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। यार मैं पता क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि अकेला जाऊँगा अब मौका है, ठीक है? तो आप इस तरह करो, ये मोबाइल पकड़ो, ये कैमरा, अगर मेरे साथ कोई हैपनिंग हुई जी, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो, अगर कुछ हुआ ऐसा तो आप फौरी तौर पे मेरे पास आ जाना है आपने, ठीक है? तो आप इंतज़ार करो और 5 से 10 मिनट तक तो वेट करो ना यहाँ पे, मैं तुम्हारे सामने हूँ, ठीक। तो आपने मेरे ऊपर नजर रखनी है, ठीक है? ठीक है। तो ठीक है, अब जो है आप जो है, मैं चलता हूँ, ये मोबाइल कैमरा जो आपने पास रेडी करना है। अब दोस्तों देखें धुंध भी हो रही है और नजर कुछ नहीं आ रहा खास। दोस्तों वो कुछ चीज हुई है, वही औरत जो पहले गुजरी है वो इस कमरे में गई है, जैसे इस कमरे में कोई गया है जैसे। यार वो लग देखने को तो ऐसे लगता है जैसे औरत है, लेकिन पर औरत का इस जगह पे क्या काम? औरत ब्लैक सी कोई चीज है, लगता है ऐसे है जैसे गाउन पहना हुआ है किसी किसी। वो शिबी सारी जो भी शक्ल जो भी, वो ऐसा लगता हमें जैसे कोई औरत।
कौन है? देखें, ये आपकी जगह है। आपने मेरे दोस्त को अस्तग़फ़र आपने मेरे दोस्त को डराने की कोशिश की है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई है मेरे पीछे, बार बार मुझे महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इसके पीछे कोई है, पीछे कोई है। कौन है? कौन है? कौन है? ये वही वाइट धुआं है जो शुरू में रिकॉर्ड हुआ था। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ये चीज गोल दायरे की शक्ल में मेरे करीब थी और इसने मुझे हवा में उठा के नीचे फेंक दिया। ये आप वाजिया देख सकते हैं। मेरे लिए खास दुआ करें। अल्लाह का शुक्र है मैं पहले से बेहतर हूँ। आसफ भाई क्या हुआ भाई? आसफ भाई क्या हुआ? मेरी चोट आ गई है। वो कैसे आसफ भाई वो कैसे चोट आई? यार मुझे चोट आई, मुझे किसी ने उठा के मारा यार। तो आसिफ भाई कैमरा इधर ही होगा। कैमरा इधर ही देखो, किधर है कैमरा? आसिफ भाई कैमरा भी नहीं है यार। कैमरा किधर है? इधर है। आसिफ भाई कैमरा भी नहीं है। यार आसिफ भाई कौन था वो यार? भाई क्या हुआ यार? कैमरा बाद में देख लेंगे आगे। तो यार मुझे पानी दो। यार वो देख कोई चीज अभी भी नजर आ रही है वहां पे। वो देख कोई चीज नजर आ रही है यार। कैमरा किधर गया यार? कैमरा कोई ना वो कोई जो भी चीज़ है ना कैमरा ले गई हमारा। हाँ एक बार देख के आई कैमरा तो देखें। यार वो कोई चीज़ नजर आ रही भाई मुझे भी नजर नजर आई जी। वो देख अभी भी मुझे भी नजर है। वो दरवाजे के पास कुछ है। वो तो दरख्तों की तरफ भी कोई है। पेट में दर्द हो
भाई ये दरख्तों की जानब भी कुछ है कोई। यार कैमरा किधर गया? ये देखो वो आवाज आ रही। जी भाई ये देखो, ये देखो वो आवाज आ रही। जी भाई ये देखो आवाज आ रही, कितनी खतरनाक किस्म की आवाज, हो सकता है रिकॉर्ड हुई होगी। यार मुझे इधर उठा के मारा किसी चीज ने। ओए भाई वो हमारा कैमरा भी साथ ले गई। कौन है? देखिए हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए, आप हमें नुकसान ना दें, आपकी मेहरबानी होगी हमारा कैमरा वापस कर दें। भाई ये पहले ये दरवाजे के पास कुछ था यार। मेरे ना दर्द हो रही है यार बहुत। देखें हम चले जाएंगे। यार मुझे समझ नहीं आ रही क्या करें। कैमरा किधर है यार? कैमरा कहीं इधर तो नहीं गिर गया मुझे जब उठा के मारा कहीं साइड पे? यार इधर देखो यार ध्यान से, कैमरा इधर ही होगा यार, कहाँ कहाँ जा सकता है ये? इधर इधर आना, इधर इस वाली साइड पे। इधर तो भाई कुछ भी नहीं है। काफी मुझे काफी उठा के ना मारा है मुझे। इधर कर, इधर देख, इस वाली साइड पे देख। नहीं भाई इधर भी कुछ भी नहीं। ये इसके अंदर से अंदर है कोई, मुझे तो लगता है इस कमरे के इसके अंदर है। जैसे कोई मुझे, जैसे किसी ने ना मेरे पीछे से मुझे उठा के ना नीचे मारा है इधर। यार मुझे भी यार, कैमरा मेरे हाथ में था यार, कैमरा मेरे हाथ में जब मैं गिरा हूँ मुझे इतना याद है। भाई मुझे भी ऐसे ही लगता है। वो इधर कुछ चीज, ये कोई कैमरा चला है। मुझे आवाज आई, स्टैंड की आवाज आई मुझे, जैसे ये यहाँ पे कैमरा। यार ये मुझे अभी आवाज आई जैसे स्टैंड की आवाज आई। अरे यार कैमरा, अरे यहाँ से कैमरा पता क्या है, अभी आवाज आई है वो खतरनाक है साइन। ये उल्लू औल की आवाज़ है, उल्लू की आई है आवाज़ अभी, ये भी साइन होता है। अब चीज़ें एक्टिव हो गई हैं यहाँ पे, कैमरा बाद में देखेंगे। चलो कैमरा निकलो। हम कैमरा तलाश करने के लिए दिन में आए और हमें कैमरा मिल गया, और तकरीबन जिस लोकेशन पे हम मौजूद थे उससे काफी दूर जो है कैमरा पड़ा हुआ था हमारा। और आप अपनी राय जो है कमेंट्स में दे सकते हैं। शुक्रिया।